हाँ तो भाई आज बहुत अच्छा मैच खेला जाने वाला है भाई, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है। दोनों विदेशी अच्छा तगड़ा है, अपना अगल बगल का कोई नहीं है, ठीक है, बाहर बाहर का दोनों है। 27वां नंबर वर्ल्ड कप का मैच है। स्टेडियम की बात करें धर्मशाला है, 28 अक्टूबर 10:30 AM सुबह में मैच खेला जाएगा। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, शाम के टाइम का मैच नहीं होगा। तो भाई अभी से प्रिडिक्शन को ध्यान से देखिए और नोटिस कीजिए, नोट कीजिए जो खिलाड़ी को मैं बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ आप भी नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से भी, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा प्रिडिक्शन जा सकता है उतना अच्छा कभी हो सकता है कि टीम ना जाए, है ना। मैं प्रिडिक्शन काफी शानदार आपके सामने जाने वाला है। पहले एक वीडियो को लाइक करना है, क्या क्या चीजों से लाइक करना है आपको भाई, मैच डिटेल्स, पिच एनालिसिस, उसके बाद स्पेशल बॉलर्स एनालिसिस करेंगे यहाँ पर, टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, ऑल प्लेयर स्टेटस इन डिटेल्स, प्लेयर बैटल और की प्लेयर जीएल एंड एसएल टीम, ये सातों चीजें आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को करिए एक लाइक और चैनल पर नए चैनल को तो करिए सब्सक्राइब, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं फास्ट प्रिडिक्शन आपके सामने देने वाला हूँ, कुछ अलग चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि अपना टीम जो जाता है टेलीग्राम में जाता है, और कोई हमारे पास सुविधा है नहीं कि मैं टीम आप तक भेज पाऊँ जो मैं खेलता हूँ, जिससे ये है टेलीग्राम अपना, ठीक है। इसको ज्वाइन करने का तरीका ये है कि इस मोर पर क्लिक करिए, वीडियो के जस्ट नीचे मोर दिखता हुआ, ये मोर पर क्लिक करके ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे, इसको बोलते YouTube का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद इस पे ज्वाइन बटन पे क्लिक कर लीजिए, हमारे साथ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, बिल्कुल फ्री है, ठीक ना। इस चीज को ध्यान में रखिए, खास ध्यान में, एकदम फ्रीडम पीपल, फ्री हर चीज, कोई चीज का आपके सामने पैसा नहीं लगता, बस एक लाइक कर देना वही मेरे लिए बहुत काफी है। उसके बाद अगर बात कर दीजिए एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि अगला वीडियो जो हमारा हो आप तक आराम से पहुंच पाए नोटिफिकेशन के जरिए, और हमारे सब्सक्राइबर सबसे पहले उस वीडियो को देखे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पिच रिपोर्ट के बारे में। देखिए पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो एवरेज है 220 से 240, यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर है 364/9 है, और लोएस्ट स्कोर क्या है 112 पे 10 विकेट यहाँ पर है, ठीक है। हाईएस्ट ये बना है तो लोएस्ट ये बना है, याद रखिएगा, इससे ना नीचे है ना इससे ऊपर है, ठीक है। लास्ट ओडीआई अगर बात करें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का हुआ 22 अक्टूबर 2023 को हुआ, सुटेबल फॉर नेचुरल पिच है, यहाँ पर कोई ज्यादा न बैट्समैन को सपोर्ट न ज्यादा बॉलर को सपोर्ट, नेचुरल काम करता है यहाँ के पिच, ठीक है। प्रेशर गेट मोर हेल्प, थोड़ा सा प्रेशर को सेफ सपोर्ट मिलता है, क्योंकि लास्ट 6 मैचों की अगर बात करें 6 मैच में यहाँ पर 62 विकेट प्रेशर को मिला, ठीक है। प्रेशर में भी 4 डिवाइड होता है, 4 टाइप के प्रेशर होते हैं, वो आपको मैं चारों का बताऊंगा कौन किसको ज्यादा विकेट मिला किसको कम मिला, ठीक है। स्पिनर की बात करें तो लास्ट 6 मैचों में 28 विकेट यहाँ पर मिला स्पिनर को, ठीक है। तो ज्यादातर प्रेशर को यहाँ पर विकेट मिल रहा है, तो वो प्रेशर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आगे दिखाने वाला हूँ आखिर वो कौन प्रेशर है, आपको भी देख के लगेगा हाँ ये पेसर है, पेसर मतलब फास्ट बॉलर, ठीक है। स्पिन मतलब घुमा घुमा के चक्रिया वाला भेद फेंकने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में किस टाइप का रन बनता है, किस टाइप का विकेट गिरता है, तो दिखाई देगा आपको कि 273/10, 245/8 और 364/9 विकेट है। उसके बाद यहाँ पर 274/6 है, 207/10 है, 227/10 है, मिला जुला के बात करें तो 10, 8, 9, 6, 10, 10, मतलब विकेट टन गिर रहा है, विकेट में कोई कमी नहीं है, इसलिए बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो ये 6 मैचों में लिया है ना, ये क्लीन हो जा रहा है भाई, टक टक ये देखो भाई क्लीन हो गया ना, 6 मैचों में जो यहाँ पर हुआ 62 विकेट जो गिरा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। आपको भी इस बार बॉलर देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से, हालांकि है तो नेचुरल पिच, दोनों को काम देखे ना, दोनों को हो रहा है ना, 245/7, 267/267 रन तो बन रहा है, साथ में विकेट भी गिर रहा है, ठीक है। तो देखने वाली बात है किसको मिल रहा है, दिखाता हूँ आगे। उससे पहले वेन्यू ओडीआई स्टैटिक्स की अगर बात करें तो टोटल मैच देखिए 8 हुआ है, फर्स्ट इनिंग जो ये बैटिंग किया है तो 3 बार, और सेकेंड इनिंग जो बैटिंग किया वो 5 बार मैच को जीता, मतलब चेस करते हुए मैच यहाँ पर ज्यादा जीता गया, ज्यादा का यार 5-8 बार हो गए किया, 3 बार तो वही है, 5 बार यही है, तो ज्यादा इस चीज को नहीं कर पाएंगे, कम मैच हुआ ना, ज्यादा मैच होगा तब जाके ये आंकड़ा अच्छा निकल पाया। फिर भी अगर छोटा ही में बात करें तो 5 मैच जीता है सेकेंड वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला 3। स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो देखिए कितना स्कोर लगभग बन जाता है, लगभग पता चलेगा आपको, बेलो स्कोर 200 से नीचे 3 बार बना यहाँ पर, ठीक है, कमाल का चीज है ना, 3 बार, 8 बार में 3 बार नीचे 200 से नीचे है, ठीक है। उसके बाद 200 से 249 2 बार है, और 250 से 299 1 बार है, और 300 से ऊपर भी 2 बार बना है रन। तो भाई 200 से ऊपर कितना रन बना है, 2, 1, 3 और 2, 5 बार हो गया, ठीक है, 200 से नीचे 3 बार रन बना है। तो एक बार ले लीजिए अपना स्क्रीनशॉट, जिससे कि आसान रहे आपको टीम जब क्रिएट करेंगे तब, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे अगर चले तो ये देखिए यहाँ पर बाउंड्री का डायमेंशन है, ओके, इस चीज से भी बहुत सारे लोग आंकड़ा लगा करके मैं टीम बनाते हैं, अच्छा खासा बनता है, जिसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने से, समझ में आता है ना कि हाँ भाई कौन सा बैट्समैन कितना उड़ा के मारने वाला, कितना नीचे मारने, जैसे गेल उल के लिए कुछ नहीं है ना, कितने मीटर लॉस अलग लाओ मार के दिखाते हैं, मगर जो खिलाड़ी नहीं मार पाते लंबा चक्का उनके लिए है, ओके। बाकी यहाँ पर देखिए रिसेंट स्कोर कार्ड, यहाँ पर रिसेंट मतलब किस टाइप का स्कोर कार्ड है, तो ये 10 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर है, और यहाँ पर 7 अक्टूबर का मैच हुआ है, तो रिसेंट कार्ड मैंने दिखाई दिया है। मगर फिर भी ये चीज देखना है कि प्रेशर को कितना, स्पिनर को कितना मिला, देखिए प्रेशर को 7 मिल रहा है फर्स्ट में,
फिर यहाँ पर स्पिनर को दो मिल रहा है, ठीक है, पेसर को चार, स्पिनर को एक, यहाँ पर पेसर चार, यहाँ पर स्पिनर पांच, पेसर आठ, स्पिनर दो यहाँ पर है, ठीक है, फिर यहाँ पेसर सात, स्पिनर एक है, देख सकते हो अच्छा खासा रन भी देखिए, कोई अच्छा नहीं है कि बेकार टीम से हुआ, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के साथ में हुआ, यहाँ पर देखिए इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के साथ में हुआ, ठीक है, उसके बाद नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के साथ में हुआ, उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के साथ में हुआ, ठीक है, तो ये है स्कोर कार्ड स्टार्टिंग का न्यूजीलैंड, ठीक है, देखने वाली बात है इस बार में न्यूजीलैंड कौन सा टीम टॉस जीतता है कि पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, क्या लगता है आपको, ठीक है, जल्दी बताइए थोड़ा सा कमेंट करके, आज का टीम अगर मान लीजिए कोई भी हो ये दोनों में से, जैसे पहले इसको दिखाता हूँ आपको, उसके बाद एक सवाल पूछूंगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट छह ओडीआई की जो मैं बात कर रहा था आपसे, बोला कि पेसर, ठीक है, ये है पेसर, ये है रेड वाला स्पिनर, रेड का मतलब भगवा रंग या संतरा रंग जो भी समझ लीजिए आप, ठीक है, तो ये है ब्लू और भगवा, ओके, इसमें क्या है कि भाई आपको दिखाई देगा 28 विकेट राइट आर्म फास्ट मीडियम को यहाँ पे मिला है 6 मैचों में, ये चीज का याद रखिए, खासकर ध्यान रखिएगा 6 मैचों में, ठीक है, उसका राइट आर्म फास्ट को 17 विकेट है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को, लेफ्ट आर्म फास्ट को यहाँ पर 15 विकेट है, फिर अगर इधर में बात करें स्पिनर को देखिए कम है, इनसे तो काफी कम है स्पिनर को, चाहे इसमें कोई भी एक टारगेट कर लीजिए स्पिनर को, आरओबी के ले लीजिए, चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स चाइना माइना जो भी समझ लीजिए, जिसको भी ले लीजिए आप, कम है इनसे, ठीक है, तो ज्यादातर इनको मिला आरओबी ऑफ ब्रेक, है ना, ऑफ ब्रेक को जो है कि विकेट यहाँ पर मिला है 11, अगर स्पिनर में बात करें तो बाकी सबको तनी मनी मिला, कोई नहीं, मगर फास्टर ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मगर राइट आर्म मीडियम को थोड़ा सा छोड़ करके, ओके, बाकी राइट आर्म मीडियम में देखा जाए कोई अगर अच्छा खिलाड़ी है तो ले सकते हैं, मगर राइट आर्म मीडियम को छोड़ के बाकी सब फास्टर अच्छा खासा। अब देखिए ये जो सवाल आ गया आपके सामने कि आज का मैच कौन जीतेगा, ठीक है, कैसे 141 मैच हुआ, ठीक है, 95 बार अपना यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये न्यूजीलैंड, ठीक है, तो विन 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 लॉस लॉस, यहाँ पर क्या है लॉस विन 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 विन, बता सकते हैं आज का मैच कौन जीतेगा, हालांकि दोनों का झंडा साला एक ही टाइप एकदम पूरा दिखता है, एकदम कन्फ्यूज हो जाएगा जल्दबाजी में, ठीक है, तो हम भी पता ना कन्फ्यूज है, काम को भी समझ नहीं आ रहा देख रहे कुछ चेंजिंग ही नहीं है इस साला, जब मरीज हम पता लगा रहे ऑस्ट्रेलिया ये होगा क्योंकि नोटिस हम किए ही नहीं, सही बता रहे, झंडा को इतना नोटिस आज तक हम नहीं किए साला कमाल है यार, चलिए खैर जो भी हो हम इसको ऑस्ट्रेलिया माने इसको न्यूजीलैंड, ठीक है, बाकी वीडियो में आने के बाद देखते हैं कौन सही कौन गलत हुआ, और जवाब तो दे सकते हैं आज का मैच जीते हैं कौन, ठीक है कभी कभी होता है मामला फंस जाता है यार, चलिए फिर आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए ये है भाई बल्लेबाजी, इसमें लीडर बोर्ड आपके लिए चल रहा है अच्छा खासा, 1,000, 10,000, 10,00,000, 10,30,00,000 का लीडर बोर्ड है ना, जो भी खेलिए इसमें आपको कोई भी चीज खेलने के, इसमें बहुत सारे चीज खेलने के लिए, कम से कम 5 से 6 चीज आप इसमें खेल सकते हैं, किसी में भी आप खेलिए, जीतिए, हार फर्क नहीं पड़ता, लीडर बोर्ड में आप शामिल हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपको पैसे मिलेंगे, लीडर बोर्ड चलते इसमें, ठीक है, सबसे बड़ी बात, दूसरी बात 5 लाख का यहाँ पर मेगा लीग आपके लिए फ्री है, मगर इसमें याद रखिएगा ये क्या है SB मेगा, ये है कूपन कोड, ठीक है, 500 डिपॉजिट करेंगे तो ये फ्री मिलेगा आपको मेगा लीग 500 डिपॉजिट करने पर, मगर इस चीज का खास ध्यान रखने का है कि कभी 5 लाख वाला मेगा जो भी मतलब आज आप डिपॉजिट किए, जैसे मान लीजिए अभी नया लोग डाउनलोड करें, ठीक है, डाउनलोड करते मिल जाएगा आपको 50 रुपये, पहली बात, दूसरी बात डिपॉजिट अगर करते हैं आप ये कोड डालते हैं तो आपको कल के जो भी होंगे मैच, ठीक है, आज के मैच जो भी होंगे नेक्स्ट वाले, चाहे 3 लाख का हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे 20 लाख का कहना हो, ये सब आपको फ्री यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वाला आपको फ्री मिलने वाला है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, तो ये है क्या स्पोर्ट्स बाजी, लिंक का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, जिसमें हम रोज खेलते हैं और इसका रोज हम टीम भी देते हैं, इसलिए आप भी डाउनलोड करके रोज खेलना स्टार्ट करें, रोज यहाँ से पैसा मिलना स्टार्ट होगा, क्यों पैसा मिलेगा, क्योंकि इसका भी कारण है, मैं बताया था कि भाई कहाँ पर 1 करोड़ लोगों से खेलना, कहाँ यहाँ पर 1,000 लोगों से खेलना, तो बराबर नहीं हो सकते, इसमें हम जीत ज्यादा कर सकते हैं, इसमें जीत एक ही बार करेंगे मगर इसका बराबर हो जाएगा, है ना, इसमें एक ही बार करने के लिए कई बार इसमें हारना पड़ता है, राइट, पता है ना, हारते हैं ना, कई बार हारना पड़ता है, इसमें कोई दो रहा नहीं, सब हारता है, ठीक है, मगर हम लोग क्या करते हैं इसमें से जीतते हैं इसमें लगाते हैं, इसमें जीतते हैं इसमें लगाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप भी जीतिए इसमें और उसमें लगाइए, दिक्कत नहीं होगा, पैकेट पे मतलब लोड नहीं आएगा, जो हम कमा रहे हैं 8 घंटा उसको हम नहीं लगा सकते फैंटेसी में, ठीक है, यहीं से निकालेंगे, यहीं से लगाएंगे, दुनिया भर के इसमें सवाल, मैं आपसे बताता हूँ कैसे आप पैसा निकाल पाएंगे, आगे दिखाता हूँ, बर्दाश्त की थोड़ा सबर की, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉसिबल प्लेइंग 11, ये है ऑस्ट्रेलिया का पॉसिबल प्लेइंग 11, तो देख सकते हैं इनके बारे में, आइए एक एक करके डिटेल जानते हैं, आखिर कौन बैट्समैन कैसा है, कैसा लेके चलना, किसको सही रहेगा, ठीक है, किसके सामने कौन है, डेविड वार्नर यहाँ पर लेफ्ट हैंड बैटर, ये ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 155 मैच खेल चुका बंदा, 45 का एवरेज है, ठीक ना, समझिएगा ध्यान से, 45 का एवरेज है, यहाँ पर हेड टू हेड में, हेड टू हेड में क्या कि 42 का एवरेज है, उसके बाद वेन्यू पे नहीं खेला बंदा, धर्मशाला पे एक भी बार, पता हो गया साला रिकॉर्ड हो गया, 155 मैच खेल कर
चले कोई बात नहीं, नया है इसलिए नहीं खेले, बात अलग है। ठीक है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 104, 163, 11, 13 और 14। ल ल ग्रहण से की बार अरहन हो गया, ल भट्टा हो गया लंका दहन सीधे ग्रहण लगा था इधर में, ल ग्रहण हो गया अरहन साले को। मिचेल मार्स, मार्स का भैया जवाब है भैया कि भाई हम लोग तो मतलब डर गए थे इस बार का पिछला मैच जो हुआ था, मगर डर जो है खत्म हुआ, दो विकेट बंदा लिया था वगैरह, तो मन खुश हुआ था ना। मिचेल मार्स में यही चीज है, बंदा ऐसा है ना कि देखिए यहाँ पर 9 मैच में 12 विकेट लिया है, ठीक है, खेला अच्छा है, बाकी वेन्यू पे कुछ नहीं है। और इन मतलब इस बंदे में ये चीज है खासियत, जीरो भी जाता है, कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, कभी 52, कभी 121, कभी 9 पे 2, तो कभी यहाँ पर 100 रन पे भी 2 विकेट भी मिल सकता है, ठीक है। मिचेल मार्स में ये कहानी है, तो सिंपल सा लॉजिक, मेरे तो सब्सक्राइबर सारे जान चुके हैं, जो नए वो जानिए, बस एक में ये, एक में ये, एक में ये चीज करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर आपके दिमाग में बत्ती जल रही है कि चलो भैया इसको चलेगा आज तो इसको ले लीजिए आप, ये चलेगा तो आज इसी को ले लीजिए आप, मेरे दिमाग में तो बत्ती नहीं चल रही, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, सच्चाई हकीकत है बात, इसमें किसी का लिखा हुआ नहीं, मगर हाँ एक एक अगर अनुभव के हिसाब से, मतलब ये अनुभव, अनुभव कभी हमेशा मतलब ऐसा नहीं होता कि हमेशा वो सच ही हो जाए। प्रिडक्शन क्या होता है, प्रिडक्शन का मतलब भविष्यवाणी करना, तो भविष्यवाणी हमेशा कोई सच नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें भविष्यवाणी ये हो रहा है, प्रिडक्शन मेरा जा रहा है ये बंदा दो बार चल चुका है, तो एक बार इस बंदे को रेस्ट देना चाहिए, ठीक है, इस बंदे को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि बंदा थोड़ा सा रन नहीं मारा है, हालांकि विकेट तो लिया है, मगर रेस्ट देना चाहिए, मगर ये ऑस्ट्रेलिया मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है कुछ भी, तो मैं तो ये सेफ जोन में लेकर जाने वाला हूँ, ठीक है, एक टीम इनको, एक टीम इनको, ऐसा करके हम लेकर के जाएंगे, बाकी एक टीम में दोनों को रख सकते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर है ना, अगर 2 विकेट लिया बंदा तो 50-60 पॉइंट हो गया, 104 मारा तो हो गया अच्छा खासा पॉइंट निकल गया ना, अगर ये मान लीजिए 20-30 रन मारा तो दोनों काम कर जाता, ठीक है। हाँ फ्लॉप भी होना है, देख रहे हैं फ्लॉप हुआ ना, ये सब जो है फ्लॉप का ही निशानी है, दोनों कभी कभी फ्लॉप भी होता है, तो ऐसा करके जीएल का टीम में रोटेशन देकर ही बना पाएंगे, ऐसा सोचेंगे कि हम वार्नर का लिखा हुआ ले ले बना ले, बना लीजिए, ठीक है, कोई नहीं रोकेगा, बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्मिथ, अब यहां से आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला विकेट बहुत मायने रखता है, उसके बाद क्या होता है कहानी में थोड़ा सा ब्रेक आया, चलो पहला विकेट गिर गया यार, और आराम से थोड़ा सा खेलो यार, है ना, ऐसा होता है पहला बार, ठीक है। यहाँ पर 43 है इनका, 44 का हेड टू हेड में, उसके बाद रन में क्या है 71, 7, 0, 19 और 46, उसके बाद लघु संख्या की बात करें तो ये है 28, 37 और 62, 8, 40, 46 और 27, तो इन दोनों के कंधे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आता है, मगर अगर बात करें दोनों के कंधे मजबूती में, तो मजबूती में तो यही चल रहा है बंदा, है ना, देख सकते हैं, बाकी इनका 5 मैच से देखेंगे तो मजबूती वो नहीं है, मगर है 40-44 का है, ठीक है, मगर फिर भी यहाँ पर विकेट गिरने वाला है, इतना आसानी से नहीं बनेगा, आप देखे ना 10-10 विकेट गिर रहा है, 273, 280, 300 से नीचे रन पे 10-10 विकेट गिर जा रहा, तो है यहाँ पर विकेट गिरने वाला, तो इतना आसान से अगर सबको भर लेंगे तो कैसे काम चलेगा ना, छोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो एक काम करते हैं इन्हीं को लेकर चलते हैं, ठीक है, मार्नस लघु सके को, मगर हाँ जो दूसरा टीम है इसमें इसको डाल सकते हैं, तो रोटेशन देना बहुत जरूरी है, ठीक है, रोटेशन जब तक नहीं देंगे तब तक काम नहीं बनेगा, रोटेट कर करके नहीं देखते हैं, जो जीएल जीतता है तो क्या करता है, कभी कभी अभी आपको दिखाई देगा कभी 10 टीम, कभी 15 टीम, कभी 20 टीम, क्या है कहाँ से आता है, रोटेशन देता है वो लोग, कौन मछली कौन जाल में घुस कर फंस जाएगा कोई पता नहीं है ना, इसलिए देना जरूरी है। मैक्सवेल, मैक्सवेल की बात करें तो 11 में 6, 98, 67, 67 ऐसे, मेरे मैक्सवेल बहुत खतरनाक और कुखार खिलाड़ी है, ठीक है, आर ओ बी बॉलर, इनको विकेट ऑफ ब्रेक विकेट मिला है ना, स्पिन में सबसे अधिक विकेट इसी को मिला है, मैक्सवेल टाइप का खिलाड़ी कोई, ठीक है, तो लेकर के चलते हैं, हालांकि रन से मेरे को उम्मीद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बंदा इस टाइप का है ना, फिलिप साल्ट, मैक्सवेल और कौन कौन नाम है 2-3 ठोका है ना, टी हेड, ये सब जो है ना, जब आर चाहे पार है, या गुरबज हो गया अपना, जदरन हो गया, ये सब ऐसा ही है सब, ठीक है, ये लोग से उतना भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी मैक्सवेल बॉलिंग वोलिंग सब करता है बंदा, तो ले लो, देखिए यहाँ कहाँ है 0 पे 0 है, तो भरोसा वो नहीं है, मगर फिर भी मजबूरी है कि ये जीएल के लिए, एसएल में नहीं है, एसएल में कोई दिक्कत है, लीजिए चाहे मत लीजिए, मैं जीएल में आपको चाह के भी लेना पड़ेगा ऐसा बैट्समैन को या ऐसा बॉलर को, कुछ भी समझ लीजिए आप, ठीक है, मजबूरी है, ओके। उसके बाद जोश इंग्लिश, एक टीम में रखनी, ज्यादा नहीं तो दूसरा टीम में निकाल सकते, जोश इंग्लिश, इंग्लिश का नंबर यार बहुत पीछे आता है, पिछली बार मैं लिया था खुद, मगर मेरा मजा नहीं आया वो चीज में, छोड़ दिया मैं, जान रहा यार, इस बार इंग्लिश को छोड़ देते, ठीक है, छोड़ दो, इस बार हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश का जरूर नहीं है। कैमरन ग्रीन, कैमरन ग्रीन भैया बॉलिंग तो कर रहे हैं, मगर 2-1, 0-2 में 2, हेड टू हेड भी 2 में 2, तो, मगर ये चीज है, हेड टू हेड में 144 रन दिखाई दे रहा है, अगर बात करें इसका, ये सॉरी 114 रन, तो कितना हो गया भाई आधा इसका है, 50 × 100, 7 × 14, मतलब 57 रन, यही ना है, मतलब एवरेज अगर माने तो 57 रन का इनके पास है, होगा ना, थोड़ा सा
बता दीजिए कमेंट करके यार, अगर गड़बड़ा रहे कहीं तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से सनडाउन रन यार, कैमरन ग्रीन 2-19, ग्रीन बहुत दीजिए, नहीं भी चला यार, चलते हैं ग्रीन को रखते हैं ठीक है। चलिए रखते हैं साले को, राइट अप फास्ट भी है, एक बार ग्रीन को रखते हैं, चाहे जो हो जाए देखा जाएगा ठीक है। पैट कमिंस 9 में 18 विकेट बाहर, कमिंस कम 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 कम, तो चलिए पैट कमिंस को भी रखा जाए। देखिए हम तो सोचे यही कि कुछ ऊपर के बल्लेबाज रख करके तो सारे बॉलर को भरेंगे साले को दोनों टीम से, क्योंकि बॉलर को मिल रहा है विकेट यार, 10-10 विकेट गिर जा रहा है एक टीम से, कहाँ जा रहा हो, कोनो हाथी लेके जा रहा है विकेट, वहा है बॉलर लेके जा रहा है सामने, इसलिए जरूरी है ठीक है। बाकी बैट्समैन तो यार कोई एगो रहेगा 20 कोई 40 कोई ऐसे मारेगा सब, कोई एगो जो शतक जल्दी मार दे इतना आसान नहीं है यहाँ पर ठीक है। अरे धीरे 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 करके मारेगा सब। क्या पिछला मैच में क्या था, विराट कोहली को शतक मारते 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 लगभग खत्म हो गया वहां पर है ना, 5 रन बचा ही रह गया था, कोई नहीं मार पैसा था। कैसे हुआ था पिछला मैच में, एक एक बॉलर एक एक ऐसा मतलब एक एक बैट्समैन कुछ रन मारा, 20 कोई 30 कोई 40 कोई, किसको ले सकते हैं आप, सवाल ये आता है, इसीलिए थोड़ा सा टेंशन होता है ठीक है। और कोई बात नहीं, पैट कमिंस और ग्रीन, उसके बाद मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क 13 में 29 विकेट, यही है कि वेन्यू पे लोग नहीं खेला ना, अगर वेन्यू पे खेला होता ना तो ये डाटा देख के एकदम दिल खुश हो जाता, कौन विकेट लिया है कौन नहीं लिया है, मजा आ गया होता ठीक है। एडम जंपा 8 में 14, बाप रे बाप, ये क्या है भाई ये मेरे को याद आ गया उस बंदे वाला हाल, किसका, अरे जब महेश थिक्साना श्रीलंका का प्लेयर भाई, एक बार ऐसे टाइम था कि 4-4 विकेट हर मैच में, उसके बाद अभी अभी इस रिसेंट का भी ऐसा टाइम आ गया एक विकेट नहीं मिल रहा है, ये सब टाइम है ना, पर फिर भी लेग ब्रेक है ये बंदा, लेग ब्रेक को इतना विकेट नहीं मिला यहाँ पर ठीक ना, याद रखिएगा इस चीज को। तो ब्रेक लेते हैं, हालांकि अगला बार भी हम लोग ब्रेक लिए थे जो कि हम लोग का ब्रेक बेकार हुआ, हाँ एक टीम में रखे थे ऐसा नहीं है, मगर ओपिनियन अगर बात करें अलाउंस करके तो उस टीम में हम लोग इसमें ब्रेक किए थे एडम जंपा को, मगर वो चीज हम लोग को रिस्क ना खतरे से खाली नहीं था है ना, तो फिर भी इस बार भी रिस्क लेके जाएंगे जंपा के लिए ठीक है। मिचेल स्टार्क, स्टार्क 13 में 29 विकेट है तो ठीक है यार, ये तो 8 में 14 है, 29 विकेट लिया है बंदा, ठीक ठाक है मिला जुला के। बाकी जंपा के लिए अगर चाहें तो आप इसीलिए एकाध टीम में लेके जा भी सकते हैं, बंदा बड़ा अग्रसन में दिखाई दे रहा है, 4-4 विकेट लेके जा रहा है यार, बड़ा रिस्पॉन्स दिमाग खराब हो जाता है सोच करके साला कि किसको ले किसको छोड़े यार है ना। तो जंपा को यार एक टीम में तो छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए फिर से हार जाएंगे मंजूर है, भले नहीं आया करोड़ बात अलग, मगर छोड़ कर देखेंगे एक बार ठीक है। मिचेल स्टार्क को, स्टार्क 13 में 29 देखिए चलते हैं स्टार्क को, उसके बाद जोस हेजलवुड, हेजलवुड भी 14 में 28 विकेट लिया है, तो हेजलवुड भी ठीक है यार है ना, मगर यार मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म फास्ट, याद होगा लेफ्ट आर्म फास्ट, राइट आर्म फास्ट को नहीं मिला कुछ ना, लेफ्ट आर्म फास्ट पता ना क्या था यार, उस चीज को देखना पड़ेगा यार, आगे देखिएगा ठीक है, क्या था लेफ्ट आर्म फास्ट में कितना विकेट क्या था, उसके हिसाब से मिचेल स्टार्क सोचिएगा, नहीं तो एक बार ब्रेक भी दे सकते हैं, मगर मेरे को डर है मिचेल स्टार्क पर कल यार, पता ना क्यों। बेंच प्लेयर्स ट्रेविस हैड, एलेक्स केरी, मार्कस स्टोइनिस सब अभी लगे हुए हैं, हालांकि कोई नहीं लगता मेरे को कोई आने वाला है, जो आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर, मिचेल स्टार्क, जोस इंग्लिश, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क हम लोग लेकर चल रहे हैं, मगर कन्फ्यूजन है कि राइट आर्म है कि नहीं है, क्या है ये बॉलर को देख करके ठीक है। बाकी जोस हेजलवुड है, पैट कमिंस है ठीक है, दो तो अपने पास हो गए, एडम जंपा, जोस हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जंपा लास्ट में आ रहा है, लास्ट में चेस के टाइम थोड़ा सा और मजा आएगा ना, देखते हैं जंपा के लिए ठीक है। जंपा अगर मेरे टीम में रहते हैं तो हम आपको टेलीग्राम पे वो टीम में दिखाई दे देंगे है ना, कि हाँ जंपा है कि नहीं, बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, मैंने सारा स्टेटस आपको दिखा दिया ठीक है, जंपा चाहे पैट कमिंस किसी के बारे में भी, ये ऑफिशियली मेरा मतलब कह सकते हैं पर्सनल प्रोडक्शन है, बाकी आप अपने प्रोडक्शन के हिसाब से भी टीम में सिलेक्शन दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है भाई ठीक है। डेविड वार्नर, डेविड वार्नर को आउट करना भाई, ट्रेंट बोल्ट है यहाँ पर, हैरनी है, फर्गूसन है साला, एक बार यहाँ सैंटनर भी आउट किया हुआ है, मिचेल मार्श, ट्रेंट बोल्ट का तो बहुत पहले ये था यार, रफ्तार था 145-150 रफ्तार है, खत्म हो गया और धार भी खत्म हो गया, विकेट नहीं मिल पा रहा साला, रोज हम बोलते हैं हर मैच में अरे ट्रेंट बोल्ट पहले ही आता बॉलिंग तब उसको विकेट चाहिए चाहिए, सर ले नहीं पा रहा मेरा साला, बोला हम बेइज्जती हो जा रहा बतिया साला है ना, पहले लेता था हमेशा यार, पता ना इसका हो गया था सब का भाई, कुछ तो किया तभी तो दो दिखा, यहाँ देखिए 3 बार लिया है टेंट बोल्ट, यहाँ देखिए आप 2 बार लिया, तो है कुछ दम है इसके अंदर,
उधम पता ना अभी कहाँ चला गया, समझ में नहीं आ रहा अभी सब इसके अंदर चला गया, जंपा के अंदर दम चला गया, वो बोला जंपा। ठीक है, तो डेविड वार्नर देखिए है तो बड़ा प्लेयर, ठीक है डेविड वार्नर, मगर यार डेविड वार्नर के दुश्मन भी कम नहीं है, देख सकते हैं। और कोई दो राय नहीं है कि डेविड वार्नर कब दोहरा दिया जाए वापस, जो अपना 13 और 14 रन दिखाई दे रहा था आपको आगे, ठीक है। इसलिए मैं बोला हूं कि आप एक टीम में डेविड वार्नर रखिएगा, एक टीम में क्या मिचेल मार्श को रख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों अपने आप में ठीक है, मगर दोनों का देखे डाटा ये देख के आपको लगता है अरे साला कहाँ ले, सोच सोच पड़ गए, इसीलिए मैं बोला हूँ, समझे। यहाँ लिखा नहीं रहता कि आज डेविड वार्नर का दम चलना है, कुछ नहीं है, सब कौन दबोच देगा कोई पता नहीं। हैरनी को देखे 4 बार आउट किया 87 बॉल पर, ठीक है भाई मिचेल मार्श, इनको आउट करना ट्रेंट बोल्ट है, हैरनी है तो ट्रेंट बोल्ट देखिए ऊपर में आता भी है बॉलिंग करने सबसे टॉप में, इसीलिए ये विकेट दिख रहा है आपको, टॉप में आता भी है, टॉप में दोनों उतरेंगे भी ओपनिंग करने के लिए, किसी एक को जाना है ना। हाँ ये है कि ट्रेंट बोल्ट अभी उतना मतलब करेक्ट शिकार नहीं कर पा रहे हैं, मगर देखिए कुछ भरोसा नहीं है भाई, वो शिकार करने में बंदा माहिर है स्टार्टिंग में, तो विकेट गिर सकता है, इसलिए मैं बोला एक को रखिए एक को छोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। स्मिथ को भी देखिए आप, हाँ इनको जो मैं बोला हूँ कि मार्नस लवुशंके को लेकर चल सकते थे, इनके लिए थोड़ा सा कम है दुश्मन है मगर इनसे कम है, स्मिथ का भी 4 दुश्मन है, लो बताओ है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए का, अरे वाह ये हुई ना बात। अब देखिए जो मैं बता रहा था आपको कि और भी प्रॉफिट है इसमें, ट्रू और फॉल्स वार्नर के लिए जो मैं बोल रहा था अभी, क्या लगता है आपको वार्नर, देखिए जो लोग लेके जाएगा वार्नर वो ट्रू में यहाँ जवाब देकर पैसा कमा सकता है, जब वार्नर को लेकर जा रहे हैं आप इसका मतलब वार्नर चलेगा तभी लेके जा रहे हैं ना, दिमाग लगा रहे हैं अपना, तो आप ट्रू में पैसा यहाँ से कमा सकते हैं, फॉल्स में जवाब मत दीजिएगा अगर लेके जाएंगे तब, नहीं तो इधर से फॉल्स से जवाब देंगे इधर से पैसा कमाएंगे, और टीम में अगर नहीं चला तो पैसा हाँ हर जगह टीम से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बाकी मिचेल मार्श के लिए जो है स्टार के लिए सॉरी, यहाँ पर गो लॉन्ग और गो शॉर्ट आप मतलब ट्रेड कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह ट्रेडिंग, इनका क्या लगता है मिचेल मार्श मिचेल स्टार्क सॉरी, इनका क्या लगता है आपको पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा, क्या लगता है आपको इस चीज को भी देख रहे पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया विल विन द ओडीआई मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अब इन सवाल का जवाब कौन देना चाहता है, देखिए 6 और 4 का बिट्स जो है कि लगा हुआ है, ठीक है आप देख करके पैसा इसमें कमा सकते हैं, इसमें बस क्या है प्राइस सिलेक्ट करना, कॉन्टेस्ट सिलेक्ट करना मतलब कितना आप कॉन्टेस्ट खेलना चाह रहे हैं, बस 10 20 30 40 जितना चाहे आप उतना खेल सकते हैं, 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया जितना कॉन्टेस्ट खेलना खेलिए आपकी मर्जी है, इससे आप पैसा यहाँ से भी कमा सकते हैं, जब आप देखेंगे ऐसे सैकड़ों सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्पोर्ट्स बाजी में, तो कमाइए टाइट रहिए खेलिए फैंटेसी दिल खोल के, बाकी कोई दुनियादारी मतलब नहीं है, ठीक है मगर कमाएंगे तब, 8 घंटा का नौकरी कमा करके पैसा दिल मतलब दिल खोल के फैंटेसी नहीं खेल पाएंगे, 2 मैच में लॉस हुआ तो फिर अरे भाई, तो ये चीज नहीं नहीं चाहिए अपने को, ठीक है अपने पैसा निकालना इसमें से खेलना सही है ना है? बस नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप भी डाउनलोड कर लीजिए, पैसा रोज निकलता है मेरे भाई, रोज निकालिए और खेलिए, ठीक है। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 यहाँ पर न्यूजीलैंड का दिख रहा है का दिखवे करेगा, ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना है तो इतना देर रुक गया तो हो जाए ओके। आप देखिए यहाँ पर ये है डेवन कॉनवे, क्या है डेवन कॉनवे, ये है 48, बाकी 3 मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में 24 कैवेज है, वेन्यू पे 1 मैच खेले हैं 0 रन है, रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है 0 20 45 32 152 नंबर। डेवन कॉनवे पिछला मैच वही वाला जो नहीं 7 8 बॉल फेंक भी दिया इंडिया, उसके बाद रोकत रोकत एक बार ऐसे मारे खस ले लिया कैच, हो गया काम तमाम डेवन कॉनवे का, ठीक है। तो ऐसे है हमारा डेविन कॉनवे, जिस दिन चलेंगे उस दिन चलेंगे, बाकी क्या है डेविन कॉनवे देखे भाई बड़ा बैट्समैन, लोग क्या होता है 152 मार दिया नवाज 8 चल भाई अब तो चली जाएगा। अब देखिए ये भी फर्स्ट बॉलर है, क्या मैं बोला था उसमें ओपनर के लिए मैं बोला था स्पेशल, ये भी फर्स्ट है ओके याद रखिए, ओपनर है ना ये ना, यहाँ चला उसके बाद फिर लिया होगा कोई बंदा, हाँ मिलो लिए मान लीजिए कोई कर लेगा साला है ना, आउट हो गया चलो 32 रन कुछ दिया है ठीक है, इस बार चलेगा 45 चलो ठीक है, इस बार फिर से अरे आपकी मतलब शतक आना चाहिए चलो ठीक है ले लो भाई बर्बाद, यहाँ पर फिलहाल नहीं अब तो एकदम पक्का फिक्स है ले बेटा 0 गया, इसीलिए अगर हम लोग ऐसा दिमाग लगा रहे हैं कि भाई एक टीम में ले करके एक टीम में उनको छोड़ देंगे तो कौन खराब लगा रहे हैं, कुछ सोचिए कहीं से खराबी है, 4 बार बंदा हराया भी तो होगा ना जो लिया होगा, 1 बार भले जिताया बात अलग है 4 बार हारा कि नहीं हारा, इसलिए हम ये दिमाग लगाए कि एक टीम में ले लीजिएगा एक टीम में आप छोड़ करके, बाकी वो टीम में सब एक रहेंगे खाली ये चेंजिंग होना चाहिए बस, ये मेरा कहने का मतलब है ठीक है। उसके बाद योंग, योंग का तो हेड टू हेड कुछ है ही नहीं है, वेन्यू पे 1 मैच खेल के 17 रन बनाए थे ये,
ठीक है, बाकी 17, 54, 70, 0, 70 देखिए इनसे अच्छा यहाँ दिखाई दे रही है, भले एक ही बार ये 152 मारा था मगर आओ सब में इनसे अच्छा ही होंगे। देखिए दिख रहा है कि नहीं, यंग है और जो कि सिलेक्शन परसेंट भी कम होगा, इनका कहाँ 90-80, ये कहाँ 60-50, तो कितना अच्छा है। पहले ही से अगर मान लीजिए ऐसा होता जैसे इनका 90, ठीक है, बहुत ज्ञान लक्ष्मी बताता हूँ भाई, कोई समझे तब तो चला, कोई हवा में सब ले लेता है सब, लो भैया क्या कर सकते हैं हम इसमें। इनका 50 मान लीजिए, ये क्या है, अगर ये फ्लॉप होते हैं या चलते हैं ठीक ना, तो क्या है 90% के साथ चलना है, ये फ्लॉप होंगे या चलेंगे तो 50%, मतलब अगर ये फ्लॉप होगा जिन नहीं लिया इनको लिया मान लीजिए अगर चल रहे हैं तो हम 50% के साथ साथ चलेंगे ठीक है, और ये 90% जो नहीं लिया ये तो पहले ही हम अलग हो गए, बाकी जो इसको लेके गया उसमें 50% साथ साथ हम चलेंगे, कितना अच्छा प्रॉफिट है कि नहीं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें सब, बाकी कोई इसमें वो नहीं चलता, जादू उदू नहीं चलता है सब, ये बस थोड़ा ध्यान देकर रिस्क से काम लीजिए, काम हो जाएगा ठीक है। मगर फिर भी देवन कोने के लिए वही बोलूंगा, इन दोनों के लिए एक में रखिएगा एक में छोड़ करके टीम में जाइए, क्योंकि ओपनर को जाना तय होता है, बहुत जल्दी ओपनर जाता है सर, बहुत कम चांस है कि ओपनर दोनों चले, और जिस दिन ओपनर दोनों चलेगा तो देखो उस दिन धर्मशाला में 400 रन बनेगा, यो जान लीजिए 400 रन सीधा ठीक है, उससे कम नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए रचिन, रचिन रविंद्रा 75 रन बंदा मारा था खाली पिछले मैच में, 32-9 है, 51 पे एक है, 123 पे 90 पे एक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का कैसा है भाई यहाँ पर सिस्टम है, 17 में 14 विकेट, देख लीजिएगा ऑर्थोडॉक्स अगर है यहाँ पर थोड़ा सा काम लग तो रविंद्र को लेकर जा सकता है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा आगे कंधा पे जिम्मेदारी आ सकता है, जब पहला होता है ना जैसे आया कोई कुट मारा आउट हो गया, उसके बाद ये जो आएगा थोड़ा आराम से है कि नहीं, थोड़ा पारी को लेकर चलता है, इसलिए आप देखेंगे 75, 32, 9, 51, 123 मतलब ये क्या एक बार सिर्फ थोड़ा सा गया, बाकी इधर में कुछ कुछ देख गया ठीक है, पारी को संभालता आदमी, बाकी ये बैटिंग बॉलिंग से भी विकेट देता है, तो मिला जुला के बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। ब्रायल मिचेल ही बंदा पे हमको उस दिन उतना भरोसा नहीं था, फिर भी ठीक है, इन्हीं की वजह से हम मैच हारे हुए थे उस दिन का है ना, 49-49 आया था, नहीं तो बहुत अच्छा पॉइंट था अपना, जितना रहा मतलब गोटी मेरा सेट हुआ था उस दिन का ठीक है, हमने कॉनवे को नहीं लिया था तो अच्छा खासा गोटी सेट हो गया था, 90% ऐसे ही हम पास हो गए थे उस दिन का, मैं क्या बताया, ड्रायल मिचेल मेरा फाड़ रख दिया करके है ना, राइट आर्म मीडियम है ठीक है, कभी कभी बॉलिंग करता कभी नहीं भी करता, 3 में 52 रन है ड्रायल मिचेल का, ड्रायल मिचेल इस बार ड्रायल मिचेल को छोड़ेंगे साले को, जैसे अगली बार छोड़े थे साथ फिर छोड़ेंगे, भले साले हमारे चाहिए तो बात अलग, बाकी अपना आप हिसाब किताब देखिएगा ठीक है, दिख रहा है ना हिसाब किताब, एक मैच में यही खेला था 130 का पारी, बाकी हम नहीं लेंगे इस बार, जो होगा देखेंगे साले को फिर से। टॉम लथम, टॉम लथम 10 में भैया भैया, अरे भाई 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 10 मैच खेल के 14 का एवरेज भाई भाई, अरे भाई साहब हेड टू हेड में, अरे भाई साहब कैसे काम होगा, वेन्यू पे 2 मैच खेल के 84 नबाद, रिसेंट परफॉर्मेंस में 5-68 क्या बोले अरे यार, अरे भाई क्या बताया, ग्लेन फिलिप्स 1 में 47, फिलिप्स आरओबी एक काम करते हैं यार, आज के मैच में इन दोनों में से जिसका सिलेक्शन परसेंट कम रहेगा ना उसको टीम में रखेंगे ठीक है, बाकी दिख तो रहा है कि बहुत बेकार है स्थिति, टॉम ले जाता हूँ, इनके सामने ऑस्ट्रेलिया के सामने होना भी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम भी है ठीक है, मगर इनका थोड़ा सा स्थिति मेरे को 1 में 47 रन लगभग ठीक ठाक है, दोनों को देखते हैं जिसका सिलेक्शन परसेंट कम रहेगा उसको लेकर चलेंगे ठीक है, बाकी जो नहीं समझ में आएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, हम जिस टीम से खेलेंगे वो टीम आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे बिल्कुल टॉस के बाद ठीक है। चपमन बहुत बार हम मौका दिया, नहीं नहीं देंगे मौका चपमन को, चलता उलता ही नहीं, कहा है कुछ है ही नहीं, यहाँ 5 है यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 25 नंबर है यहाँ कुछ, कहा उखड़ जाएंगे बुझा, आज शतक मारिए तो क्या कर लेंगे, क्या कर सकते हैं भाई, 5 बजे में तो अभी ट्राई करके देखता है ना, कुछ नहीं छठे ओवर में क्या कर लेगा, छोड़ते हैं ठीक है। सांटनर के लिए, सांटनर 13, 225, 17 सांटनर को टीम में ले लीजिए ठीक है, क्योंकि सबको छोड़ेंगे तो फिर लेंगे किसको हमको है, तो सांटनर आप टीम में जा सकते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, बाकी 2, 1, 3, 5 है ना, 1 तो विकेट से चाहे रन कहीं ना कहीं देता है बंदा, तो सांटनर जा सकता है। लॉकी फर्गुसन, लकी 8 में 10 विकेट, 1 में 2 विकेट, लकी 62 पे 97, लकी फर्गुसन भी ठीक ठाक है, 62 में 97 विकेट तो लिया है बंदा
है ना भाई। हाँ लगा, मेरे को अगर अंदर दिल से बात करे तो मेरे को पसंद नहीं है जो बात हकीकत, ठीक है, मगर वो बात अलग है, चल जा रहा कभी कभी तो क्या करें, मूड खराब हो जा रहा है, तो पसंद मेरे को नहीं है भाई लकी फर्गुसन, ठीक है। मैं ठहरने की बात करें 8 में 17, ठीक है, ये सब पसंद वाले मेरे, इनको आप टीम में लेके जाइए, राइट आर्म फास्ट मीडियम, बाकी ना पसंद में क्वालिटी और क्या बोलते हैं उसको, उसका मतलब वो देख करके, एक होता है ना उसका काम, भले वो आदमी पसंद नहीं मेरे को सलाम, उसका काम पसंद है भाई मेरे को, ठीक है। तो काम के हिसाब से लकी फर्गुसन को लेके जाने का मन कर रहा है, एक आध टीम में आपको दिखाई देंगे मेरे, बाकी सब में तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, चाहे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। लकी फर्गुसन राइट आर्म फास्ट का यहाँ पर विकेट यही बोला था शायद का कि कैसे है, देखना पड़ेगा, ठीक है। लकी को लिए आप समझिए, बाकी मैं ठहरने को लेकर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट, भाई साहब हम परेशान हैं, कब कब जलवा दिखेगा, ये 15 मैच में 39 रन, कब जलवा दिखेगा हमको, है बंदे मत, काबिलियत है यार, मगर पता ना काहे काबिलियत निकल नहीं पा रहा साला आज, है ना, 109 में 203 रन में भाई कब दिखेगा ये, है एक मैच खेले एक ही विकेट यहाँ पर मिला था ये वाला, बस थोड़ा सा भाई ये लग रहा है 15 मैच मारा, अरे भाई साहब कमाल कर दिया बंदा, ठीक है। चलिए फिर लेके चलते ट्रेंट बोल्ट को, और अगर मान लीजिए जिस टीम में दोनों को रखते हैं आप, वार्नर और मार्श, उसमें ट्रेंट बोल्ट नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं बनेगा आपका, क्योंकि स्टार्ट करने वाला बंदा कोई काम का नहीं है, और ट्रेंट बोल्ट का रीति रिवाज यही रहा है कि ज्यादातर विकेट ही बंदा स्टार्टिंग का ही निकालता है, छटकाता है कभी भी हो, ठीक है, जब नहीं छटका तो नहीं छटका, बात खत्म। तो उसमें क्या कीजिएगा, एक में रख के एक में छोड़िएगा जरूर, डेविड वार्नर और मार्श को, दोनों को एक में नहीं रख के ले जाना, इसमें ट्रेंट बोल्ट को लेके जाइएगा, ठीक ना, ऐसा करके। बाकी ट्रेंट बोल्ट के लिए एक बार तो हम बोलेंगे सीबीसी का ताज भी अगर दे दिया जाए तो मैं गलत नहीं हूँ शायद, ठीक है, हम तो एक मैच में देंगे, चाहे जो भी बंदे अंदर क्वालिटी है, भले अभी समय अच्छा नहीं चल रहा मगर है दम जरूर, ठीक है, लेके चलेंगे, ठीक ना, सीबीसी भी दे सकते हैं। बाकी बेंच प्लेयर्स केन विलियम्स रिस्पेक्टेबल प्लेयर कह सकते हैं, है ना, न्यूजीलैंड की तरफ से, बाकी सब अपने आप में है मगर ज्यादातर केन, ओके। तो ये है बेंच प्लेयर, कौन आया कौन गया, अभी तो कोई चांस नहीं है, है ना, टीम से होती है ऐसे, कोई नहीं आने वाला मेरे हिसाब से, वही प्लेयर चलेंगे आपके सामने, ठीक है। स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर ट्रेंट बोल्ट स्टार्ट करेंगे, बोला तो मैं जैसा कि मैट हर्नी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मिचेल शार्टनर, तो हमारे पास तीनों हैं, आपको पता होना चाहिए हम लोग तीनों को सिलेक्ट किए हैं, तो भाई साहब एक को तो ड्रॉप करना पड़ेगा, चाहे मिचेल हो चाहे डेविड वार्नर हो, और नहीं तो अगर दोनों को ले करके जा रहे हैं इसमें से, चाहे तो ट्रेंट को करिए ड्रॉप, चाहे तो मैट हर्नी को करिए ड्रॉप, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फायदा क्या होगा, बाप बेटा में लड़ाई करवा देंगे साला, और सामान जलेगा राख होगा किसका जाएगा, बाप बेटा दोनों का जाएगा ना अगला बंदा को थोड़ा कोई नुकसान होगा, यही बात है, अगर इसको भी लेंगे उसको भी लेंगे तो फिर बीच में पिसाएगा कौन, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान खास रखिएगा ध्यान, ठीक है। रविंद्रा है, उसके बाद मिचेल शार्टनर है, फर्गुसन और मैट हर्नी, तो अपना मैट हर्नी यहाँ पर है ही, मिचेल शार्टनर भी है, रविंद्र को हम लोग लेके जा ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लौकी के लिए थोड़ा सा सोचेंगे हम, बाकी आप लौकी को देख सकते हैं समझ सकते हैं अपने अंदाज में, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए प्लेयर बैटल में क्या, डेवन कॉनवे को एडम जंप आउट किया है, ठीक है, ग्लेन फिलिप्स को स्टार्क आउट किया है, मिचेल स्टार्क, और ड्रायल मिचेल हेजलवुड को यहाँ देखिए हेजलवुड आउट किया भाई, उसके बाद जंपा, उसके बाद मैक्सवेल, तीनों खतरनाक है लोग आउट किया, हालांकि हेजलवुड तो अपने पास है मगर जंपा के लिए और मैक्सवेल के लिए थोड़ा सा मेरे दिल से कुछ अलग निकल रहा है बात, ठीक है, खैर देखा जाएगा, अगर रोटेशन बन जाता है मेरे पास, टीम अगर पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो मैं सबको किसी न किसी में एडजस्ट करके दे सकता हूँ आपको, ठीक है, नहीं बनेगी तो फिर मैं कट भी कर सकता हूँ। बाकी टॉम लथम जिनके लिए बात हो रही थी, हेजलवुड 3 बार ही खाली, मतलब हमको लगता है कि पिछले स्टार 3 बार हमको लगता है टॉम लथम इसलिए खेल रहे कि जो अपोजिट टाइम टीम का है ना बॉलर, उनको कम से कम विकेट बढ़े, एक मतलब बेइज्जती ना हो कि भाई हमको विकेट नहीं मिला इस मैच में, हम आ रहे हैं आप हमको आइए बॉलिंग कराइए हम एक विकेट आपको दे देंगे, हमारा हमारा विकेट ले जाइए, है ना, बड़ा दिल का साफ आदमी है यार, मजा आ गया यार, है ना, इसको बोलते हैं दिलवाला, भाई बॉलर कम से कम दुखी होकर ना जा लो भैया मेरे ही ले जाओ शाबाश यार हंसी भी आया था इस चीज को चला देख करके, स्टार 3 बार आउट किया, यहाँ पर देख सकते हैं हेजलवुड जो है कि 3 बार आउट किया, बाकी जंपा है, पैट कमिंस है, इनको अपना ट्रेंट बॉल आउट नहीं करते, क्योंकि ट्रेंट बॉल पहले आते ही नहीं, ये लास्ट में आते ही नहीं, है ना, ये लोग बीच का मामला वाला सिस्टम है इसलिए, ओके। चलिए यहाँ पर आगे चले, तो हालांकि ट्रेंट बॉल उधर से रहेंगे नहीं यार, इधर से कहाँ रहेंगे, उस प्लेयर बटल में रहेंगे, ओके। अब देखिए आगे चले यहाँ पर, तो और चीज मैं दिखा दूंगा आपको चलते चलते,
3 लाख का यहाँ पे मेगा लीग अभी आपको फ्री मिलने वाला, अभी अगर आप स्पोर्ट्स बाजी को डाउनलोड करते हैं और अभी डिपॉजिट करते हैं तब SB मेगा कूपन कोड डालते हैं तब, ठीक है, ये आपको फ्री रहेगा। प्लस में 50 रुपये फ्री है ही है, प्लस में कितना सारा सवाल फ्री है ही है, प्लस में ये देखिए ऑप्शन खेलने के लिए जितने जिसमें चाहे उतने आप खेल कर सकते, पैसा यहाँ कमा सकते हैं। इसमें कुछ टाइप के धुरंधर भी नहीं दिखाई देंगे, बाकी धांधली वो जो होता है कम होता है, ठीक है। इसलिए पेमेंट पैसा सब धड़ाधड़ निकलता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, ये भी है, ठीक है, मगर अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं जहां तक खेला हूँ इसमें 10 महीना 12 महीना के अंदर में, मेरे हिसाब से बेस्ट है स्पोर्ट्स बाजी। आइए और खेलिए, पैसा कमाइए, ठीक है। बाकी यहाँ पर ही टीम देंगे स्पोर्ट्स बाजी का, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पड़ा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करिए। बाकी पैसा वैसा किसी को मत दीजिएगा किसी भी हाल में, हम अपने किसी काम के लिए आपसे पैसे नहीं लेते, चाहे कोई भी हम काम करते हैं, ठीक है। सब काम सिर्फ एक लाइक के दम पर होता है, आप कर दिए बहुत बड़ी बात है भाई। आज का मैच ऑस्ट्रेलिया चाहे न्यूजीलैंड कौन जीतेगा बता दिए, दिल पर छा गया, ठीक है। बाकी आपका जो वीडियो है कमेंट वाला वो बहुत जल्द आने वाला है, एक स्पेशल वीडियो होगा, सिर्फ आपका सवाल और मेरा उसमें जवाब रहेगा, बहुत मजा आएगा। आपके नाम से मैं सवाल पढ़ूंगा और जवाब दूंगा उस चीज का, इसलिए जवाब आप सवाल इसमें भी कर सकते हैं, इस वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं। कुछ मेरे को मिल गया कमेंट वैसे, कुछ और की जरूरत है, जैसे हो जाएगा एक वीडियो बना के देंगे जो जिंदगी भर अपने पास रहेगा, है ना। राहुल ये सवाल हमसे पूछा था उसमें उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, ये सवाल विनय पूछा, ये ऐसा करके मतलब मजा आएगा उस चीज के बारे में, दोस्ती एक रहेगी अपने, है ना। ये ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, भेजिएगा टीम देंगे, बाकी ये अपना आपके सामने टीम रखे हैं अभी के लिए, हालांकि चेंजिंग देखिए करेंगे अलग का टीम जो बनाएंगे ना उसमें, ये तो सबके लिए हो गया ना, कुछ स्पेशल जो बनाऊंगा जो टेलीग्राम पे जाएगा उसमें आपको दिखाई देगा कुछ अलग। अब हार जीत होगा कहाँ होगा पता नहीं, मगर कुछ अलग दिखाई देगा आपको उसमें, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट जरूर इसका मार लीजिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए किसी मैच प्रेडिक्शन के साथ, तब तक ये वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके बताइएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल फ्री काम होता है, इस पर कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता, ठीक है। चलिए तब तक अपना अपनों का ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत।